बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम फैशन वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह मेरी वीडियो वॉच करते रहें। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए प्लेन फैब्रिक को किस तरह स्टिच करें, इस तरह के आइडियाज़ लेकर आई हूँ। व्यूअर्स, आपको इस वीडियो से बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे। अगर आप अपना प्लेन ड्रेस लेना चाह रही हैं और सोच रही हैं उनको किस तरह स्टिच करें, तो ये वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। व्यूवर्स, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम लेसिस लगाकर अपने ड्रेसेस किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म का फैब्रिक लेकर उनको किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। व्यूवर्स, आपको कलर कॉम्बिनेशन के भी आइडियाज़ मिलेंगे। अगर आप प्लेन के साथ कोई कलर कॉम्बिनेशन करना चाह रही हैं तो इस तरह के भी आपको बहुत से आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, आपको देखने को मिलेगा कि हम गोटा वर्क की लेसिस लगाकर भी अपने ड्रेसेस खूबसूरत बना सकती हैं, शिटल लेस लगाकर भी। और आजकल तो मिरर वर्क का बहुत ज़्यादा फैशन आया हुआ है, मिरर वर्क की लेसिस लगाकर भी अपने ड्रेसेस को खूबसूरत बनाया जा सकता है। व्यूअर्स, अगर आप लेसिस नहीं भी लगाना चाहती हैं तो पिनटेक्स डालकर भी अपने ड्रेसेस खूबसूरत बना सकती हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। इससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। व्यूअर्स, अगर आप मिरर वर्क करना चाहती हैं तो आप अपने ड्रेसेस मिरर वर्क के खुद घर में ईजीली बना सकती हैं। व्यूअर्स, अयागंजा लगा कर भी अपने ड्रेसेस खूबसूरत बना सकती हैं। व्यूअर्स, अगर आप इसके अलावा कुछ और देखना चाहती हैं, कैजुअल ड्रेसेस के आइडियाज़, लॉन्ग फ्रॉक के आइडियाज़, तो मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरे चैनल से बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे। व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, शायद आपका मनपसंद डिज़ाइन आपको वीडियो के एंड में मिल जाए। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।